ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 8 अक्टूबर 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अभी दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो, हम सब आत्माएं हैं। और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को ही बुलाते हैं। कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले चलो। अभी दूर देश रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तुम हो रूहानी पैसेंजर्स, क्योंकि शरीर के साथ होना तुम रूह हो, रूह यात्रा करेगी, बाकी तुम्हारा शरीर तो यहीं छोड़ देना है, आत्मा यात्रा करेगी। तो रूह कहाँ जावेगी? कहेंगे अपनी रूहानी दुनिया में जावेगी। और शरीर कहाँ जावेगा? शरीर या तो पुरुषार्थ अधूरा होगा तो 5 तत्व में मिल जावेगा, अगर संपूर्ण पुरुषार्थ होगा तो शरीर भी सुरक्षित रहेगा, 5 तत्वों में लीन नहीं हो पाएगा, तुम नई दुनिया बसावेंगे। ये जिस्मानी दुनिया है ना, परंतु वो होगी रूहानी दुनिया, जिस्म में रहते हुए भी अपन को रूह समझेंगे। बच्चों को बाप ने समझाया है, अभी घर वापस जाना है। जिस घर से हम पार्ट बजाने यहाँ आए हैं, ये पार्ट बजाने का बहुत बड़ा मांडवा अथवा बहुत बड़ी स्टेज है। स्टेज पर एक्टिंग करके पार्ट बजाते हैं ना, फिर सभी को वापस जाना है। नाटक पूरा होगा तो तुम जावेंगे। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर में जाना चाहिए अथवा राजधानी में जाना चाहिए, ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि ये तो गायन है। क्या अंतमते सोगते, अभी यहां तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं, और भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के और कभी भी पढ़ावेंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकारी बाप एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। ये तुम बच्चों को पक्का पक्का निश्चय है, और पढ़ाई भी कितनी सहज है,
घर जाना है, उस घर से सभी का प्यार है, शांति धाम है ना, शांति तो सभी चाहते हैं। तो सारी दुनिया का प्यार शांति धाम से है, वहां सब आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। तो मुक्ति धाम में जाना तो सभी को है, सभी जाना चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं, बिल्कुल ही तच्छ बुद्धि हो गए हैं। समझते हैं कि हम सदाकाल के लिए मुक्त हो जाएंगे, स्वच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि का कंट्रास्ट अभी तुम समझते हो। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी बनी हुई है, कितना फर्क हो जाता है। और तुम्हारी बुद्धि भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वच्छ कहेंगे, सारे विश्व के आज मध्यंत का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी दिल में ये है कि हमको पुरुषार्थ करने से नारायण जरूर बनना है, परंतु यहां से तो पहले पहले अपने घर जावे ना। तो नारायण भी बनेंगे, पहले पहले हम नहीं जावेंगे तो नंबरवार नारायण समान बनेंगे, तो खुशी से पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी में रहते हैं, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को खुशी से छोड़ना है, इस शरीर से तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा आत्मा को बाप से विश्व की बादशाही की लॉटरी मिलती है, बल मिलेगी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम बाप को याद करेंगे, जानते हो हम आत्मा उस बाप की संतान है, तो वर्षा तो जरूर मिलेगा। ये पुराना शरीर छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम पवित्र धाम में भी वापस नहीं जा सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे तो उस योग बल से सभी पापों का बोझा उतर जाएगा। नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो पक्का करना है कि हमको पवित्र तो जरूर बनना है, लौकिक संबंध में भी कोई बच्चे गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर के लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। बल पतित बनना है वो तो कायदा है, एक ही त्रिशी से ही पतित बने,
दूसरा कोई से भी पतित बनना ये बेकायदे है। किसी के साथ बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये दुनिया वालों के लिए मिसाल दिया कि अब ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई क्या? बल पतित बनना है वो तो कायदा है इस पतित दुनिया का। पतित दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन नहीं है, परंतु कायदा क्या कहता है? एक स्त्री से पतित बने, दूसरा कोई से पतित बनना ये बेकायदे है। माना पतित बनना जरूरी है, हैं? क्या मतलब हुआ? सतयुग त्रेता में पतित बनते हैं, हैं? वहां पतित नहीं बनते, फिर कलाएं कम कैसे होती हैं? अगर आत्मा पतन को प्राप्त नहीं होती है तो कलाएं कम कैसे हो जाती हैं? कम होती हैं या नहीं होती हैं? क्यों कम होती हैं? क्योंकि वहां भी एक से पतित तो होते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों से पतित तो नहीं होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का संग का रंग धीमी गति से पतन में ले जाता है। तो वहां भी ये कायदा है क्या? पतित तो होना है, ये तो कायदा है, एक स्त्री से ही पतित बने, परंतु दूसरों से पतित बनना ये बेकायदे है। वो तो रही शिष्टाचारी दुनिया की बात, श्रेष्ठ इंद्रियों के लिए, यहाँ है भ्रष्टाचारी दुनिया की बात। आदि हुए पड़े हैं जो कर्म इंद्रियां हैं वो भ्रष्ट आचरण करने वाली हैं, चाहे हाथ हो या पांव हो या उत्सर्जन करने वाली इंद्रियां हो, उनसे कुछ न कुछ विकर्म होता रहता है। परंतु बताया कि एक के साथ पतित होना है। अगर अपनी परीक्षा भी लेनी है ब्राह्मणत्व जीवन में तो एक के साथ परीक्षा लेनी है, नहीं तो बेकायदे चलन हो जाती है। बेकायदे चलन चलते हैं तो मिसाल बताया, माँ बाप का लौकिक दुनिया के माँ बाप भी डंडा लेकर के मार देते हैं, यहाँ तो फिर धर्मराज बैठा हुआ है।
किसी के साथ बेकायदे प्यार रखते हैं तो अच्छी बात नहीं है। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को तो यहाँ इस दुनिया में रहना ही नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहां विकारी पतित कोई नहीं होता है, अर्थात विपरीत कर्म करने वाला कोई नहीं होता है, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन बनाते हैं। जो वहां विपरीत कर्म हो ही नहीं पाता, अभी तुम्हारे सन्मुख बेहद का बाप आया हुआ है, दुनिया को इस बात का पता ही नहीं है। बेचारे शिवरात्रि भी मनाते रहते हैं परंतु ये नहीं जानते कि कौन सी रात्रि में आया। कह देते हैं महाशिवरात्रि, अब ये महाशिवरात्रि कब होती है? एक दिन होती है या वर्ष वर्ष होती है या हर 100 साल के बाद होती है? है हर 5000 साल के बाद? 5000 साल के बाद होती? कब होती है 5000 साल के बाद? है संगम युग तो 100 साल का है, तो क्या हर साल होती है जैसे ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं? हर वर्ष के बाद भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी शिवरात्रि जो मनाते हैं ना, तो क्या हर साल होती है संगम युग में? कब? 76 में हुई महाशिवरात्रि हुई। 76 में जितना हम अंधेरे में थे उससे जास्ती अंधेरे में अब नहीं है क्या? है अज्ञान अंधेरा बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? आत्मा तामसी होती जा रही है या पावन बनती जा रही है? तो जब आत्मा तामसी होती जा रही है तो अंधकार बढ़ रहा है या घट रहा है? तो महाशिवरात्रि आखिरी कब है? कहेंगे जब बाप आकर के सारे संसार में प्रत्यक्ष हो गए। ऐसा प्रत्यक्ष हो गए कि जो देखे जो सुने उसके मुख से अनायास ही निकले कि हमारा बाप आ गया है। तो बाप खुद कहते हैं हमारा दिव्य जन्म है और अलौकिक जन्म है। इस लोक में जैसा जन्म होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो समझते हैं ये पैदा होना ही जन्म है, गर्भ से पैदा होता है, पहले गुप्त था फिर बाहर आता है, वो तो हद की बात हो गई। अभी भी क्या है, भगवान गुप्त पार्ट बजा रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है? अगर कोई कहे प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है ये है भगवान, तो भगवान मानेगा कि भाग जाएगा? है? नहीं मानेगा।
जब मानेगा ही नहीं तो गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष हुआ? अच्छा वो माने या ना माने, हम साबित करेंगे। कोई छाती ठोक के कहे कि हम साबित करेंगे, कोई है ऐसा? है कोई नहीं है? हाँ कौन है? हाँ कौन है, कौन है? कहाँ महाशिवरात्रि हो रही है, जरा दिखाओ, इधर आ जाओ सामने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आज जा, समय हो, माने अभी शिवरात्रि नहीं हुई है। पैंतरा बदलो नहीं, एक पक्की बात करो, तो मेरा जन्म दिव्य है, अलौकिक जन्म है? लौकिक जन्म सदृश मेरा जन्म नहीं है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में आ नहीं सकती। बल मनुष्य आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश करती है, परंतु उनके प्रवेश करने में और मेरे प्रवेश करने में बहुत फर्क हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है? मुझे आत्मा का सूक्ष्म शरीर नहीं है, और जो भी मनुष्य आत्मा होती है उनका सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में जास्ती ताकत होती है, और सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है, जिसमें प्रवेश करती है सूक्ष्म आत्मा, प्रेत आत्मा उसको दबोच लेती है। वो अपनी स्मृति भी कभी कभी भूल जाता है, जैसे गुलजार दादी अपनी स्मृति भूल जाती है, चेहरा मोरा बदल जाता है, उनको वाणी भी दोबारा पढ़नी पड़ती है। तो मैं तो हल्का फुल्का हूँ, मेरे ऊपर जन्म जन्मांतर का कोई भी पापों का बोझा नहीं है, इसलिए मैं कब प्रवेश करता हूँ और कब चला जाता हूँ ये कोई को पता भी नहीं चलता। नहीं तो प्रेत आत्माएं जिसमें प्रवेश करती हैं, उसके हाव भाव व्यवहार से वाचा से सबको पता लग जाता है, मेरा कोई को पता नहीं चलता। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके आधार पर यह साबित होता है कि मेरा जैसा दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म और कोई का नहीं हो सकता। बल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वो तो बात ही अलग है। हम तो आता ही हूं सभी को वापस ले जाने के लिए। वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके पीछे वापस जाते हैं कि और ही उतरते चले आते हैं? तो ऊपर से नीचे उतरते हैं अपना पार्ट बजाने के लिए, फिर उनके पीछे पीछे फॉलोअर्स भी आते जाते हैं। हम तो सभी को वापस ले जाता हूं। फिर आकर के सभी को बतलाता हूं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में आवेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मैं जो नई दुनिया स्थापन करता हूं उस सतयुगी नई दुनिया में बगुला कोई भी नहीं होता है। बगुला है? सब हंस होते हैं, बगुला कोई नहीं होता, क्या मतलब है?
बगुला का मतलब है मरी हुई मछली खाने वाला। वहाँ कोई भी व्यभिचारी नहीं होता है, वहाँ तो सब अब व्यभिचारी होते हैं। परंतु बाप बगुलों के बीच में आते हैं या हंसों के बीच में आते हैं? आते हैं बगुलों के बीच में और हंस बना करके नई दुनिया में भेज देते हैं। बाप कहते हैं ये जो है ना, ये सबसे नंबर वन बगुला है। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। यह कह के किस तरफ इशारा करते? ब्रह्मा बाबा की तरफ। माता को प्रजापिता दिखाई पड़ रहा है। तुम किसे कहते हैं? हम ब्राह्मण बच्चों को। उन ब्राह्मण बच्चों में भी मुख्य कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा। तो तुम जो सन्मुख बैठ पड़ते हो वो बगुला नहीं है, है? ब्रह्मा को तो कह दिया इशारा करके, ये है बड़े से बड़ा बगुला, और जो सन्मुख बैठे हुए हैं वो बगुला नहीं है, है? नंबरवार है। इतना बड़ा बगुला नहीं है जितना बड़ा ये है। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार होते हैं? नहीं तैयार होते ना। तो बाबा की मुरली से ही कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिससे ये साबित हो जाए कि ये सबसे बड़ा बगुला है। अब ये कोई बात नहीं, ये इससे कोई साबित नहीं होता कि बगुला है। बगुला होता है अंदर से एक बाहर से दूसरा। जल में खड़ा रहता है ऐसे खड़ा हुआ है जैसे बड़ा भारी तपस्वी है, है? एक आंख यूं खुली हुई है, मछली आई है लुढ़कती हुई, गप किया फिर खड़ा हो गया, उसको कहते हैं बगुला। माना दिखावा करने वाला फर्स्ट क्लास, बुद्धि में ही नहीं आता। बातों का पता है, सामने से बोला बहुत, सामने आने वाला नहीं है। नहीं, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं उन सबसे जास्ती दिखावे वाले होते हैं। ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा कोई सभ्य सारी दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बर्बर जाति है तो कृष्ण से राशि क्यों मिलाई? पहले बड़ा बड़ा बगुला क्राइस्ट और उसके फॉलोअर्स या कृष्ण है? क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। तो देखो ये जो सबसे नंबर वन बगुला बनता है वो ही फिर सबसे नंबर वन है, क्या बनेगा? हंस बनेगा। तुम भी अभी हंस बन रहे हो। बाबा सामने से नहीं अटैक करता है, सामने वालों को नहीं कहता है
तुम भी नंबर वन बगुला थे। माता ने हिम्मत करके बोल दिया। क्या तुम भी अभी हंस बन रहे हो? ये भी हंस बनता है, तुम भी हंस बन रहे हो का मतलब पहले तुम भी बगुला थे, तुम भी मोती चुंगते हो। मोती चुंगते हो अर्थात धारणा की बातें उठाते हो, जो धारण करने योग्य बातें नहीं है उनको कंकड़ पत्थरों को छोड़ देते हो। सतयुग में तुमको ये रतन नहीं मिलेंगे, यहां तुम ये ज्ञान रतन चुक करके हंस बनते हो। तो बगुले से तुम हंस कैसे बने हो ये बाप बैठ समझाते हैं। कैसे बने हो? बगुले से हंस कैसे बने हो? बाप क्या समझाते हैं? हैं? अरे भ्रष्ट दुनिया के संग के रंग से बगुले बने हो और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा के संग के रंग से हंस बन जाते हो। तुम जानते हो बगुला क्या खाता है? क्या खाता है? मरे हुए जानवर खाता है। मरे हुए में और जिंदा में क्या फर्क है? अरे मरे हुए में और जिंदा में क्या फर्क है? है? जो मरा हुआ है उसमें से चैतन्य आत्मा खिसक गई, जड़त तो रह जाता है। तुम भी बगुले थे, अभी तुमको हंस बनना है, देवताओं को हंस कहा जाता है और असुरों को बगुला कहा जाता है। अभी तुम किचड़ा छुड़ा करके मोती चुंगाते हो। 8-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुमको ही पद्मा पद्म भाग्यशाली कहते हैं, तुम्हारे पैर में छापा लग जाता है पद्म का, बाकी शिव को तो पांव ही नहीं है। जो उनके पांव में पद्म का छापा लग सके वो तो तुमको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। ये सभी बातें और भी अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य ये तो समझते हैं कि पहले भारत में स्वर्ग या पैराडाइज था, परंतु कब था, फिर कैसे होगा, ये कोई को पता नहीं है। तुम तो अभी रोशनी में आ गए हो, वो सभी अंधेरे में हैं। तो तुम रोशनी में आ गए हो तो तुम्हारे लिए शिवरात्रि हुई या नहीं हुई पूरी? है? तुम्हारे लिए शिवरात्रि हुई या नहीं हुई?
अरे नहीं हुई, रोशनी में आ गए। महाशिवरात्रि पूरी होगी तभी तो रोशनी होती है। तो रोशनी में आ गए या नहीं आ गए हैं? एवरलास्टिंग आ गए नहीं? अभी माया फाइनल पेपर लेने के लिए सामने खड़ी है। तो जैसे सारी दुनिया अंधियारे में है, हम भी बीच बीच में कभी अनिश्चय बुद्धि रूपी अंधियारे में आ जाते हैं। ये लक्ष्मीनारायण विश्व के मालिक कब बनते हैं, कैसे बने, ये भी किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है? तुम ब्राह्मणों को तो पता है, पता है या नहीं है? हैं? अरे पता नहीं है हैं? अरे पता है या नहीं? ये तो सांप छछूंदर की गति हो गई। उगले तो मुसीबत, खा जाए तो मुसीबत। किसको पता नहीं है? मैंने अगर पता भी है तो जैसे झुंझार बुद्धि होती है, अनुमान लगा सकते हैं लेकिन पक्का पक्का नहीं कह सकते कि वो रात्रि के 12 बजे वाली शिवरात्रि कौन से दिन है, जिसके कारण कृष्ण रात्रि में ही शिवरात्रि मना लेते हैं। कृष्ण का जन्म भी कई बजे मनाते? रात्रि के 12 बजे, और शिवरात्रि भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। और बाप भी कहते हैं बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, और जन्म साकार का होता है या निराकार का होता है, आत्मा का जन्म मरण की बात ही नहीं। माने बाप भी साकार में और बच्चा भी साकार में, दोनों का इकट्ठा जन्म होता है। तो किसको पता नहीं है, ये भी बात सही है कि निश्चयात्मक बुद्धि से अभी भी किसी को पता नहीं है। हाँ 5000 वर्ष की बात कहेंगे जो बाप बैठ समझाते हैं। जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने, मैं भी आता हूँ, मुझे भी तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। ये निमंत्रण नहीं देते हो कि ब्रह्मा के तन में आओ, वेदवाणी सुनाओ और ज्ञान सुना के चले जाओ। क्या निमंत्रण देते हो है? हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। और किसको भी कब ऐसे नहीं कहेंगे? कोई धर्म पिता को कोई उनका फॉलोअर्स कहता है कि हे धर्म पिता आओ आओ आकर के हमको पावन पावन बनाओ? अपने धर्म स्थापक को भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर के सभी को पावन बनाओ? क्राइस्ट अथवा बुद्ध को कोई पतित पावन थोड़े ही कहेंगे। नानक को भी गुरु नहीं कहेंगे। सदगुरु तो वो है जो साहब की सदगति करे, वो नानक तो आते ही हैं कलयुग में, उनके पिछाड़ी सभी को नीचे उतरना होता है। यहां से वापस जाने का रास्ता बताने वाला कोई धर्म पिता नहीं है।
सब की सदगति करने वाला एक ही अकाल मूर्त शिव बाबा है। वास्तव में सदगुरु अक्षर राइट है, सब की सदगति करते हैं। तुम सभी से राइट अक्षर सिख लोग बोलते हैं, बड़े बड़े आवाज से कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। बड़े जोर से धुन लगाते हैं, कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। उसकी मूर्ति भी है अर्थात साकार है, और अकाल है अर्थात काल उसे खा नहीं सकता। शरीरधारी है फिर भी महाविनाश के काल के गाल में वो जा नहीं सकता। तो समझना चाहिए कि मूर्ति ही नहीं होगा, साकार ही नहीं होगा, तो फिर सदगुरु कैसे बनेगा? सदगति कैसे देंगे? वो सदगुरु स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। स्वयं ही देते हैं है? स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं? देते हैं या नहीं देते हैं? तुमको दिया है? है? आपको दिया? अरे चुप, दे रहे, दिया नहीं, दे रहे, अभी दिया नहीं। कितने साल? 70 साल में, 70 साल में भी अभी पर्चे नहीं दे पाया बाबा? तो ज्ञान 1 सेकंड का है। ज्ञान माने पहचान, समझ। तो सदगुरु आकर स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूं, और तो सभी शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, और तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो देखो यहां रात दिन का फर्क हो जाता है। अभी तुमको कोई भी जिस्मानी गुरु को मानना नहीं है। हिंदू स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु है, बाप कहते हैं वो भी रंग है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वो सब रंग करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर हैं। इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। हर एक में 5 विकार मौजूद है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि अभी रावण राज्य है। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं, और फिर डिटेल भी सारा बतलाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का कैसे मालूम पड़े? सारी दुनिया के चक्र की बात करते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ भारत में रावण राज्य है। भारत में है या सारी दुनिया में है? सारी दुनिया में रावण राज्य है। रावण को 10 सिर दिखाते हैं, माना दुनिया में
मुख्य मुख्य रूप से 10 मत मतांतर फैले हुए हैं धर्मों के नाम पर। उन धर्मों के 10 धर्म पिताएं भी हैं, जिनकी बहुत मान्यता है, उनको ग्रेट फादर्स कहते हैं। तो ये चक्र कैसे फिरता है तुम बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, बाबा आप ही समझाते हैं। तुमको तो एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता है। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सभी कुछ आप ही सुनाना, आप ही सभी कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं, नौकरी में लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि 40 वर्ष के बाद ये सभी धंधा धोरी आदि छोड़ करके भगवान का भजन करना। कहते हैं ना, भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा पाठ आदि करना। अभी तुम तो समझते हो आधा कल्प हम पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए हम पूज्य बनते हैं। पवित्र कैसे बनते हैं इसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। जब पवित्र बन जाते हैं तो भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, क्योंकि भक्ति से ही दुर्गति होती है, तो फिर भक्ति क्यों करेंगे। तो भक्ति की तरफ तो ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। वो सारी दुनिया तो भक्ति कर रही है, तुम ज्ञान ले रहे हो। तो जैसे कि तुम रात में थे अभी दिन में हो, वो रात में है तुम दिन में जाते हो, घोर सो जरा हो जावेगा अर्थात स्वर्ग में चले जावेंगे। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। अब ये गीता का अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत ही सहज बात लिखी हुई है। सारी आयु गीता पढ़ते आए, पहले तो कुछ भी नहीं समझते थे, अभी वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पति से पावन बन जाते हो। भक्ति मार्ग में तो गीता पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते पढ़ाते पढ़ाते और ही पतित बन पड़े। अभी हम सुनते हैं फिर औरों को सुनाते हैं, पहले हम पावन बनते हैं, क्योंकि ये बाप के महावाक्य है ना। ये बड़ा ही सहज राजयोग है। मनुष्य तो कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, इतने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं कि तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामा अनुसार उनों की भी जब तकदीर खुलेगी तब ही आ सकते हैं तुम्हारे पास। तुम्हारी तकदीर तो पहले ही खुल गई, तुम्हारी जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं है। बाप ने समझाया है तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है, और तुम ही इस बात को समझते हो कि बाबा ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो नई दुनिया में भी कंसी जरा सिंधी रावण आदि बैठ दिखाए हैं। अब वहां नई दुनिया के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है,
बल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। तुमको अभी सारी बातें बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे अभी मुझे याद करते रहो, मुझे याद करते रहेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे पहले कभी और सुना? बाप बच्चों को कह रहे हैं कि मुझे याद करो। लौकिक बाप कब ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ नहीं कराते? ये तो बेहद का बाप है जो बैठ समझाते हैं। 8-10-68 की वाणी का तीसरा पेज। तुम सारे विश्व के आदि मध्यंत को जान करके चक्रवर्ती राजा बन जावेंगे। तो तुम पहले पहले घर में जावेंगे, फिर तुमको ही पहले पहले पाठधारी बन करके आना है। अभी किसी को भी ये पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। जो नई आत्मा होगी उसका नाम आचार जरूर होगा। क्या कहा? परम धाम से कोई भी नई आत्मा उतरी है उसकी पहचान क्या बताई? जो भी नई आत्मा उतरती जावेगी संसार में उसका शोहरत बढ़ती जावेगी। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार हो जाता है, ढेर के ढेर मनुष्य उनके पीछे लग जावेंगे। आजकल किसके पीछे लग रहे हैं? स्वामी रामदेव के पीछे कितने ढेर मनुष्य आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं। तो नई आत्मा का प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आया ना, तो वो भी नई आत्माएं आती हैं, तो पुरानों में प्रभाव पड़ जाता है। टारटारियां निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा हो जाती है। किसी को भी पता नहीं पड़ता कि इनका नामाचार इतना क्यों होता है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी डूबती नहीं है, तूफान तो बहुत आवेंगे परंतु उन तूफानों में खेवैया बाप मिला है। बच्चे भी हिलते हैं, बोट को तूफान बहुत लगते हैं तो समझते हैं कि ये डूबी की डूबी, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो ये नवैया डूब जाए, ये सत्य का संग है, यहां ही तूफान जास्ती लगते हैं। और सत्संगों में तो ढेर के ढेर जाते हैं परंतु वहां कब तूफान आदि की बात नहीं लगती। यहां तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं परंतु फिर भी स्थापना होनी है। बाप बैठ समझाते हैं, ये आत्माएं तुम कितने जंगल के कांटे बन गए, दूसरों को भी कांटा लगाते रहते हो। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिल जाता है, वहां दुख की छी छी बातें तो कोई भी नहीं होती है। इसलिए उनको कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते हैं परंतु समझते तो नहीं है। कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, वास्तव में ये कहना रंग है। क्यों?
है, क्योंकि स्वर्ग तो कोई भी नहीं पधार सकता। अभी इस दुनिया में स्वर्ग है ही नहीं। जो भी मरते हैं मरने के बाद इसी नारकी दुनिया में जन्म लेते रहते हैं, इसीलिए तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है। समझते नहीं है। और निराकारी दुनिया को भी कोई हेवन नहीं कहा जाता है, वो तो है ही मुक्ति धाम। ये फिर कह देते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम समझते हो वो मुक्ति धाम आत्माओं का रहने का घर है, जैसे यहाँ घर में जाते हैं वैसे तुम भी अपने बेहद के घर में जाते हो। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंच मंदिर आदि बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसा बनाया हुआ है, लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाते हैं तो भी सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो साफ झूठ हो गया। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर आदि पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपा करके झूठा ही पहनते रहते हैं। वहां तो सच ही सच है, झूठा कुछ भी नहीं होता है। यहां किसी के पास सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं और झूठा पहनते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता जाएगा। अभी भी होता जाता है। वहां तो है ही स्वर्ग, वहां तुमको सभी कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सभी कुछ नया मिलता है ना। वहां अति चार धन था, अभी तो हर एक चीज को देखो कितना मूल्य हो गया है। अभी तुम बच्चों को तो मूल वतन से लेकर सारे राज का पूरा समझाया हुआ है। मूल वतन का राज बाप बिगर और कौन समझावेगा। तुमको भी फिर टीचर बनना है, घर से व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहकर औरों को भी आप समान बनावेंगे तो तुम बहुत ऊंच पद पावेंगे। यहाँ रहने वालों से वो घर गृहस्थ में रहने वाले ऊंच पद पा सकते हैं। नंबर बार तो होते ही, बाहर में रहते भी विजयमाला में पिरोए जा सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले फिर बल विलायत में चला जाए, वहां भी जाए सारी दुनिया को वह मैसेज देता रहे बाप आए हैं। वो कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो, वो बाप ही लिबरेटर गाइड है। जब तुम वहां जावेंगे तो अखबारों में भी बहुत नामाचार हो जाएगा। उस समय दूसरों को भी ये आवाज बहुत सहज लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, जरी शरीर तो जड़ है। आत्मा पाठधारी बनती है तो खूबी वाली चीज आत्मा है। तो अभी बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं कर सकते हैं जितना बाहर वाले। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, तुम भी समझते हो हम पहले कांटे थे। अभी बाप ने आर्डिनेंस निकाला है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु ऐसे लिखत करने से कोई समझते नहीं है। अभी बाप ने तुमको समझाया है।
परंतु ये ज्ञान बहुत शांति का है। आवाज नहीं होनी चाहिए, कोई कोई की समझानी बहुत जोर से होती है, परंतु नहीं, बहुत धीरे से प्यार से बैठ करके समझाना होता है। जैसे चूहा फूंक मारता है, तुम अभी वाणी से परे जाते हो, तो मूल बात है पावन होने की। ये पावन दुनिया और पतित दुनिया का कंट्रास्ट बैठ के समझाना है। ओम शांति। Thank you.